हरि ओम तत्सत। आज हम ये पेट के सभी दर्द को कैसे दूर करें, पेट के छोटा मोटा दर्द, गैस, कब्जी, एसिडिटी, ये सबको कैसे भगाए, या पेट का मोटापा भी कैसे दूर करें, या बुखार आया है तो बुखार को भी कैसे दूर करें, हेडेक हो रहा है, सर दर्द है, माइग्रेन है, ये सब से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छी सी क्रिया बता देता हूँ। ये क्रिया को हमने नाम दिया है गर्भ अवस्था की मुद्रा। तो जैसे छोटा बालक अभी माँ के गर्भ में है, जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, तो आप देखिए वो करीब छः से नौ महीने का जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है वो कैसे होता है, तो आप देखेंगे तो उसके जो हाथ पैर की ऐसी अवस्था हो जाती है, वैसी पोजीशन बनानी है। ध्यान से देखिए, देखो अभी आप पांव आगे फैलाते हुए बैठे हैं, कमर सीधी आपकी। अब क्या करो, धीरे से लेफ्ट पांव को मोड़कर, घुटनों से मोड़कर लाइए, करीब अपने पेट के करीब लाइए। यस, फिर दूसरा पांव भी, राइट लेग को भी घुटने से मोड़कर लाइए करीब। अब दोनों पांव के पंजे, दोनों घुटने बिल्कुल साथ में जुड़े हुए हैं, और ये जो थाई वाला पोर्शन है, वो थाई वाला पोर्शन आपके नाभि के आजू बाजू जो बेली का भाग, जिसको हम एब्डोमिनल मसल्स कहते हैं, वहीं पर दबा हुआ है। अब ये दोनों हाथ से ऐसे लॉक कर लो, हाँ, घुटने के बाद, घुटने से नीचे इसको ऐसे पकड़ लो, दबा दीजिए, बस इस पोजीशन में रहना है। बेली का भाग ज़्यादा होगा तो आप मस्तक सीधा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो दाढ़ी का भाग है यहाँ घुटनों के बीच में नहीं लगेगा। देखो मेरा ये भाग लग गया, ये दाढ़ी दोनों घुटनों के बीच में बिल्कुल लगा दीजिए, ऐसे आप बैठ सकते हैं। अब अपने श्वास को चलने दो, जो नॉर्मल ब्रीदिंग चलती है उसको चलने दो। तो सहज लंबी गहरी श्वास चलने दीजिए, या सहज श्वास चलने दो, और इसी पोजीशन में बैठना है। और एक चीज़ कर सकते हैं आप, अगर बहुत बुखार है, हमने प्रयोग किया है और बुखार चला गया है विदाउट टैबलेट, हाँ, बहुत आपको बीमारी है लंबी, तो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करना है। आपकी उम्र भी देखना है और आपका शरीर आपको कितना साथ देता है, बाद में ही करना है। या कोई अच्छे जानकार है, योग के गुरु, या कोई अच्छे जानकार जो अभी मैंने बोला उसके सानिध्य में करो, या अच्छी तरह से आप सीख लीजिए फिर करो। तो देखो ऐसी पोजीशन में बैठ गए, दोनों पांव को घुटनों से मोड़कर ये बेली के आजू बाजू दबा दिया है, फिंगर लॉक यहाँ लॉक कर दिया। अब जिसको बहुत बुखार है, सर्दी हो गई है, तो वो लोग मस्तक को ढकना नहीं है, मस्तक खुला रखना है, और पूरा बॉडी को कंबल से ढक लो, हाँ, गर्म कंबल, यस, ब्लैंकेट का उपयोग कर सकते हैं। तो पूरा बॉडी को, या सॉल होगा तो साल से भी, सॉल को भी लगा देंगे चलेगा, और पूरे बदन को ढक लेना है। फिर से कहता हूँ, मस्तक को ढकना नहीं है, और ऐसे बैठ जाओ और इसी पोजिशन में बैठे रहना है। कितने समय के लिए, तो 5 मिनट से लेकर आधे घंटे बैठ सकते हैं। शुरुआत में आप नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन आधे मिनट से शुरुआत करो, फिर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट और 30 मिनट, यानी आधे घंटे तक बैठ सकते हैं। यथाशक्ति बैठना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, तो फ़ायदा क्या होगा, पेट के सभी दर्द गायब, पेट का मोटापा भी चला जाएगा, पसीना हो जाएगा, टॉक्सिन सब निकल जाएंगे, हेडेक जो अभी मैंने बोला वो चला जाएगा। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सोचिए कि जब बच्चा, जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, वो करीब 7-8 महीने का, तो पूरा वो ग्रोथ हो गया है उसका, अब 7-8 महीने का जो बच्चा माँ के गर्भ में है, उसको कुछ नहीं होता है, बस इसी अवस्था में वो रहता है, और आराम से लंबे समय के लिए वो कोई भी दुख दर्द के बिना, कोई डिसीज नहीं है, बस इसी जो मुद्रा को या देखकर हमने ऐसा नाम दिया है गर्भ अवस्था की मुद्रा, या गर्भ मुद्रा, या गर्भ अवस्था की मुद्रा ऐसा कह सकते हैं। तो इसी पोजीशन में आपको रहना है। अस्तु, हरि ओम तत्सत। हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिए, और आप सबको विनंती, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।